स्वागत आप सभी का। और फ्रेंड्स, आज लेक्चर में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे 12वीं एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के बारे में। ये जो हमारे प्रश्न उत्तर हैं, अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों ही जो एग्जाम होते हैं उनके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। और प्रश्न बिल्कुल पेपर के हिसाब से सेट किए गए हैं, जो आपका अर्धवार्षिक पेपर आएगा, जो आपका वार्षिक पेपर आएगा। कल ही आपकी अर्धवार्षिक की डेट आई है और उसमें बताया भी गया है कि अर्धवार्षिक पेपर में भी आपके पूरे सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपका वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों का जो मॉडल पेपर होगा वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट्स 12th एग्रीकल्चर के तीनों सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, वहां जाकर के ऐप डाउनलोड करके वो नोट्स प्राप्त कर सकता है। अब हम बात करते हैं अपने मॉडल पेपर के बारे में। जैसा हम बात कर रहे थे, पहले आपके जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं बहुचयनात्मक, जिनमें से आपको सही उत्तर का चयन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। पहला प्रश्न है क्या अपना, थोड़ा सा देख लेते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनने में कितना समय लगता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन और 120 दिन। बात किसकी हो रही है, बर्मी कंपोस्ट की बात हो रही है। और बर्मी कंपोस्ट बनने में कितना समय लगेगा, तो 60 दिन। यहाँ जो अपना सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 60 दिन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दूसरे प्रश्न की, मूंगफली की जलमांग होती है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, 200 से 400 एमएम, 700 से 1300 एमएम, 500 से 700 एमएम और 900 एमएम। अब किसकी जलमांग पूछी है हमसे, मूंगफली की जलमांग पूछी है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा 500 से लेकर के 700 एमएम। नेक्स्ट में अगर बात करूं सिंचाई की बूंद बूंद विधि का आविष्कार कब हुआ, अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न हर बार लगभग बोर्ड के एग्जामों में पूछा जाता है। कई बार प्रश्न लगातार एग्जामों में पूछा गया है, किसकी, बूंद बूंद विधि का आविष्कार। चार ऑप्शन है, जापान, अमेरिका, भारत और इजराइल। लेकिन यहाँ अपना जो राइट आंसर है, सही उत्तर स्टूडेंट्स, वो क्या है, इजराइल। एंड इस विधि का जो आविष्कार हुआ वो कहां पर हुआ, इजराइल में हुआ। आगे हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से मृदाधूमक शाकनाशी है, निम्न में से मृदाधूमक शाकनाशी है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार पूछा भी गया है मृदाधूमक शाकनाशी के बारे में। अब जैसे हमारे पास चार ऑप्शन है, 2,4-D, एंट्राजीन, मिथाइल ब्रोमाइड और सीमाल। पूछा क्या है, मृदाधूमक शाकनाशी। तो आप लोगों को बता दूं, जो मृदाधूमक शाकनाशी है वो कौन सी है, वो है हमारी मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड क्या है, मृदाधूमक शाकनाशी है। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगला प्रश्न, एक बीज पत्री खरपतवार का उदाहरण है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, एक बीज पत्री खरपतवार। चार ऑप्शन है हमारे पास, बथुआ, खरतुआ, अमरवेल, गेहूसा। अब एक बीज पत्री खरपतवार उतारना है तो मैं आपको एक ही पहचान बता देता हूं, जिन खरपतवारों की पत्तियां सकरी और लंबी होती हैं वो कैसे होते हैं, एक बीज पत्री होते हैं। और जिन खरपतवारों की पत्तियां चौड़ी होती हैं, कैसे होंगी, चौड़ी या गोल, वो कैसे होंगे, वो द्विबीज पत्री होंगे। अब इनमें से आप देख लो ऐसा कौन सा खरपतवार है जिसकी पत्तियां सकरी होती है, तो मैं क्लियर कह सकता हूं कि जो गेहूसा खरपतवार है, गेहूसा खरपतवार की पत्तियां कैसी होती हैं, सकरी और लंबी होती है। तो मैं कह सकता हूं कि ये कैसा खरपतवार है, ये आपका एक बीज पत्री खरपतवार है। बाकी सारे कैसे हैं, बाकी सारे द्विबीज पत्री हैं। आप लोगों के दिमाग में प्रश्न बना होगा कि सर अमरवेल में तो पत्तियां होती नहीं है, केवल तना होता है, लेकिन इसका तना दो भागों में विभाजित हो जाता है, इसलिए कैसा है, ये द्विबीज पत्री है। अमरवेल ध्यान रखना द्विबीज पत्री खरपतवार है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चले अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, अमरूद की लाल गूदे वाली किस्म है, ये काफी अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है, जेट में भी पूछा गया है, अमरूद की लाल गूदे वाली किस्म। हमारे पास चार ऑप्शन है, सरदार, ललित, अर्का अमूल्या और पंत प्रभात। अब लाल गूदे वाली तो नाम से इसमें है, ललित क्या होगी, ललित, यानी यहां जो अपना राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो है ललित। यहां तक हमने 7 प्रश्नों की बात की, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से है, चलिए
ये जो सारे प्रश्न हैं ये अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों ही एग्जामों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, रंगीन पदार्थों का परिरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ये काफी अच्छा प्रश्न है, रंगीन पदार्थों का परिरक्षण किसके द्वारा किया जाता है। और मैं बता दूं, ये प्रश्न बार बार पूछा भी जाता है ट्वेल्थ के एग्जाम में। हमारे पास चार ऑप्शन है, नमक, KMS, सोडियम बेंजोएट और सिरका। अब पूछा क्या है? रंगीन, तो रंगीन पदार्थों का जो परिरक्षण होता है स्टूडेंट्स किसके द्वारा होता है? सोडियम बेंजोएट के द्वारा होता है। रंगीन पदार्थ कौन सा है? जैसे टमाटर की सॉस है, लाल रंग की होती है, उसके अंदर रंग है, तो कैसी हो गई? रंगीन। तो किसके द्वारा होगा? सोडियम बेंजोएट के द्वारा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता रंगहीन, क्या पूछा जाता? ध्यान देना, काफी अच्छा प्रश्न है, रंगहीन। अगर रंगीन की जगह रंगहीन पूछा जाता, ये तो क्या है? ये आपका रंगीन है और ये है रंगहीन। अगर रंगहीन पूछा जाता तो फिर क्या होता? KMS। और KMS का पूरा नाम क्या है? पोटेशियम मेटावाई सल्फाइड। ध्यान रखना, KMS का पूरा नाम पोटेशियम मेटावाई सल्फाइड। एक प्रश्न और पूछा जाता है, सिरका की कितनी मात्रा परिरक्षण हेतु काम में ली जाती है? तो सिरका की अगर आपसे मात्रा पूछी जाए तो 2-3%। इसकी कितनी मात्रा परिरक्षण हेतु काम में लेते हैं? 2-3% मात्रा काम में लेते हैं। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। क्या है? एसिटिक अम्ल। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मेहसाना नस्ल की उत्पत्ति हुई है। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, मेहसाना नस्ल की उत्पत्ति हुई है। चार ऑप्शन है अपने पास, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और गुजरात। अब अगर हम मेहसाना नस्ल की उत्पत्ति की बात करें तो कहां से हुई है? गुजरात से हुई है। कहां से मानी गई है? गुजरात से मानी गई है। उसके आगे अगर हम प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रोटोजुआ जनित रोग है। निम्न में से प्रोटोजुआ जनित रोग है, काफी अच्छा प्रश्न है। चार ऑप्शन हमारे पास, एंथ्रेक्स, दादम खास, सर्रा और मिल्क फीवर। आप लोगों को मेरे ख्याल से पता भी चल गया होगा, अगर हम प्रोटोजुआ जनित रोग की बात करें तो कौन सा है? सर्रा रोग है। सर्रा रोग किसके द्वारा होता है? ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई नामक प्रोटोजुआ परजीवी के द्वारा होता है। यानी अगर हम इसकी बात करें तो ये किसके द्वारा होता है? ये प्रोटोजुआ के द्वारा होता है। अगर हम मिल्क फीवर की बात करें तो किसके द्वारा होगा? ये कैल्शियम तत्वों की कमी के कारण होता है। अगर हम एंथ्रेक्स की बात करें तो ये किसके द्वारा? ये जीवाणु के द्वारा होता है, बेसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा। अगर हम खाज खुजली की बात करें तो किसके द्वारा होती है? ये कवक के द्वारा होती है। तो आप लोगों को पता चल गया कि सर्रा रोग प्रोटोजुआ परजीवी के द्वारा होता है। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें अगले प्रश्न पर, ये हमारे 10 प्रश्न आएंगे इस तरीके के, और 10 प्रश्न इसी तरीके से जो हमने पढ़े हैं सेम इसी तरीके से पूछे जाएंगे। अब जो अगला प्रश्न होगा उसमें चार प्रश्न होंगे और इस तरीके का प्रश्न होगा वो, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करनी होगी आपको? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होगी, इस तरीके से आपको पूछा जाएगा। जैसे हम यहां बात करें, खाली जगह एक फर्न है जिसका उपयोग धान में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। अब कौन सा फर्न है जिसका उपयोग धान में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या है? एजोला। एजोला, एजोला क्या होता है? एक प्रकार का फर्न या पादप होता है जिसका उपयोग धान में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। आगे हम बात करें थोड़ा सा, पशुओं में खाली जगह बीमारी कैल्शियम तत्व की कमी के कारण होती है। मैंने अभी आपको बताया यहाँ मिल्क फीवर है वो किसके द्वारा होता है? कैल्शियम तत्वों की कमी के कारण। तो क्या क्या आ जाएगा? मिल्क फीवर, या हम इसको क्या कह सकते हैं? दुग्ध ज्वर, या तो हम इसको दुग्ध ज्वर कह देंगे या फिर हम क्या कह देंगे? मिल्क फीवर कह देंगे, कुछ भी अपन इसको लिख सकते हैं। अगला है, पशुओं में नस्ल सुधार करने के लिए देसी मादाओं को खाली जगह विधि से गर्भित कराया जाता है। ये काफी अच्छा प्रश्न है, पशुओं में नस्ल सुधार करने के लिए देसी मादाओं को खाली जगह विधि से गर्भित कराया जाता है। यानी कौन सी विधि से गर्भित कराते हैं? तो कौन सी विधि है इसमें? कृत्रिम गर्भाधान। क्या होगा इसमें? इसमें आ जाएगा राइट आंसर कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें अगले पॉइंट पर, अगला पॉइंट है, ट्राइकोडर्मा एक लाभदायक खाली जगह है जो जनित रोगों में रक्षा करता है। ये काफी अच्छा है। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो ट्राइकोडर्मा क्या है? एक लाभदायक फफूंद है।
क्या है, लाभदायक फफूंद है जो कवक जनित रोगों में क्या करता है, रक्षा करता है। ट्राइकोडर्मा एक लाभदायक फफूंद है जो कवक जनित रोगों से क्या करता है, रक्षा करता है। ये हमारे प्रश्न क्या हुए, कंप्लीट हुए। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे कुछ टाइप के प्रश्न हमें और पूछे जाते हैं, उनको भी देख लेते हैं। चलिए अब इसमें तीसरा जो प्रश्न होगा उसमें हमें छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके उत्तर हमें एक पंक्ति या एक शब्द में देने होते हैं। जैसे यहाँ कहा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए, यानी छोटे छोटे प्रश्न ये होते हैं जो कि हमें एक एक नंबर के ही पूछे जाते हैं। जैसे मैं यहाँ प्रश्न की बात करें, परजीवी खरपतवार कौन कौन से हैं, काफी अच्छा प्रश्न है परजीवी खरपतवार। तो पहले तो परजीवी खरपतवार को समझ लेते हैं क्या होते हैं। ऐसे खरपतवार जो पोषण के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर होते हैं क्या कहलाते हैं, परजीवी खरपतवार कहलाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एक तो क्या आ जाएगा अपना सबसे मोस्ट अमरवेल, अमरवेल कैसा खरपतवार है, तो अमरवेल आप लोगों को पता है परजीवी खरपतवार, किसमें पाया जाता है, जैसे तंबाकू है, रिजका है, बरसीम है। दूसरी अगर हम बात करें स्ट्राइगा, कहाँ होता है, ज्वार और बाजरा में, अमरवेल है और स्ट्राइगा है। स्ट्राइगा को हम क्या कहते हैं, रोकड़ी भी कहते हैं इसको, इसको क्या कहा जाता है, रोकड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला पॉइंट, मिश्रित फसल किसे कहते हैं, काफी अच्छा प्रश्न है, मिश्रित फसल किसे कहते हैं। तो मिश्रित फसल क्या है, जब दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को एक साथ मिलाकर के बोया जाता है तो वह फसल पद्धति क्या कहलाती है, मिश्रित फसल कहलाती है। दोबारा से सुन लो, जब दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को एक साथ मिलाकर बोया जाता है तो वह फसल पद्धति मिश्रित फसल कहलाती है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। अगर हम राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो यह है 575 mm, कितनी है 575 mm, लेकिन जब हम सेंटीमीटर में बात करते हैं तो इसको हम कह देते हैं 57.5 cm, या तो हम इसको क्या कह सकते हैं 575 mm, या अगर हम सेंटीमीटर में लिख रहे हो तो 57.5 cm। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, अगला प्रश्न, धान में खैरा रोग नियंत्रण के उपाय क्या हैं, काफी अच्छा प्रश्न है, धान में खैरा रोग नियंत्रण के उपाय। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि धान में खैरा रोग किसके कारण होता है। मैं आपको बता दूं, धान में जो खैरा रोग होगा वो किसके कारण होगा, जिंक तत्व की कमी के कारण होगा। अब जिंक तत्व की कमी के कारण होगा तो इसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाएगा, जिंक के किसी उर्वरक के द्वारा किया जाएगा, और जिंक का उर्वरक कौन सा है, जिंक सल्फेट, कौन सा है, जिंक सल्फेट ZnSO4, और कितना किया जाता है ये 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यानी हम खैरा रोग के उपाय के लिए धान में क्या करते हैं, जिंक सल्फेट का उपयोग करते हैं, कितनी मात्रा में करते हैं, तो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, बेर के फल का वानस्पतिक नाम लिखिए, काफी अच्छा प्रश्न है, बेर के फल का वानस्पतिक नाम लिखिए, यानी आपको क्या बताना है, बेर का बॉटनिकल नेम बताना है। अब बेटने का बेर का बॉटनिकल नेम क्या होता है, जिजीफस मोरिशियाना, क्या होता है, जिजीफस मोरिशियाना, और इसका कुल कौन सा होता है, रेहमनेसी कुल। यहां पूछा नहीं गया है, केवल वानस्पतिक नाम पूछा गया, लेकिन कई बार इसका कुल भी पूछा जाता है तो रेमनेसी कुल होता है इसका। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जेली में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, अब ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, जेली में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ, और कुल घुलनशील ठोस पदार्थ को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, टीएसएस, यानी टोटल सोल्यूबल सॉलिड। क्या पूछा गया है हमें, जेली में टीएसएस पूछा गया है। अब जैम और जेली दोनों के टीएसएस हमें लगातार पूछे जाते रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैम क्या होता है, गाढ़ा होता है, जेली क्या होती है, हल्की सी पतली होती है। अब जैम गाढ़ा होगा तो जैम का टीएसएस ज्यादा होगा, जेली पतली होगी तो जेली का टीएसएस क्या होगा, कम होगा। और हमें दो आंकड़े याद रहते हैं हमेशा, 68-65, 68-65,
लेकिन हम अंतर नहीं कर पाते किसका 68 होगा किसका 65 होगा। तो यहाँ जैम क्या है, गाढ़ा है, जैम का कितना होगा 68, जेली क्या होती है पतली होती है, जेली का कितना होगा 65, यानी इसका जो TSS होता है वो कितना होता है 65% होता है। आगे हम थोड़ा सा और चलें, पशुओं में गलघोंटू रोग का कारक है, पशुओं में गलघोंटू रोग का कारक है, यानी पशुओं में गलघोंटू रोग किसके द्वारा होता है, पशुओं में गलघोंटू रोग किसके द्वारा होता है, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप सीधा लिख सकते हो किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। अगर जीवाणु को नाम पता है तो जीवाणु को नाम लिख सकते हो, कौन सा जीवाणु है, क्लोस्ट्रिडियम सेवियाई, कौन सा है, क्लोस्ट्रिडियम सेवियाई, सेवी भाई। अगर आपको जीवाणु का नाम पता है तो लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको जनरली लिखना ही है, केवल इतना भी आप लिख सकते हो कि गलघोंटू रोग किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। वैसे अगर मैं गलघोंटू की बात करूं तो ये अलग अलग प्रजातियों के द्वारा होगा, इसके अलग अलग प्रजातियां आती हैं, गाय में अलग आती है, भैंस में अलग आती है, भेड़ में अलग आती है, पास्टोरेला बोविसेप्टिका, पास्टोरेला बुबेलिसेप्टिका, पास्टोरेला मल्टोसिडा, ये अलग अलग वैरायटी आती है इसकी। नेक्स्ट में अगर बात करूं ऑपरेशन फ्लड क्या है, अब ये काफी अच्छा प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड क्या है, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन हेतु चलाया गया एक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की शुरुआत एनडीडीबी द्वारा वर्ष 1970 में की गई, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन हेतु चलाया गया एक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1970 में एनडीडीबी के द्वारा की गई और इस कार्यक्रम को श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इतना आपको लिखना है क्योंकि एक नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। उसके बाद में अगर बात करूं अगले जो प्रश्न है वो थोड़े से बड़े बड़े प्रश्न है, कौन सा प्रश्न, जैसे अगर मैं बात करूं सुसुप्तावस्था रोकने के उपाय कौन कौन से, काफी अच्छा प्रश्न है, सुसुप्तावस्था रोकने के उपाय, अब कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, जैसे एक तो खुरचना, बीज के ऊपर जो कवच होता है उसको खुरचना, एक तापोपचार करना, एक चिलिंग करना, एक रासायनिक उपचार करना, रासायनिक उपचार में जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग, जैसे थायो यूरिया का उपयोग, तो ये क्या होगा, इसके उपचार होंगे। डेढ़ नंबर का प्रश्न पूछा गया है तो आपको कोई तीन उपचार लिखने होंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं पृथक्करण दूरी को परिभाषित कीजिए, तो ये भी डेढ़ नंबर का प्रश्न है, तो छोटा सा ही आपको लिखना है, पृथक्करण दूरी क्या है, आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए कि नहीं फसलों की दो किस्मों अथवा दो फसलों के मध्य रखी गई निश्चित दूरी पृथक्करण दूरी कहलाती है, आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए कि नहीं फसलों की दो किस्मों अथवा दो फसलों के मध्य रखी गई निश्चित दूरी पृथक्करण दूरी कहलाती है। तो स्टूडेंट्स ये थे अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, इसमें और भी प्रश्न उत्तर है लेकिन वो सारे बड़े बड़े प्रश्न है जो यहाँ शायद मैं नहीं करा सकता क्योंकि इसमें काफी टाइम लगेगा और यहाँ जगह भी नहीं है स्पेस इनको बताने के लिए। इनको अगर आप PDF वगैरह लेना चाह रहे हो तो व्हाट्सएप की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप वहां से ये जो PDF है ये डाउनलोड कर सकते हो। इसका सॉल्यूशन पेपर का अगर आप पूरा देखना चाहते हो तो उसके लिए ऐप की लिंक दे रखी है, वहां जाकर के आप कोर्स परचेज कर सकते हो। थैंक यू।